नशे के विरोध में और उन्नाव केस को लेकर शहीद भगत सिंह नौजवान हरियाणा छात्र यूनियन ने साइकिल यात्रा निकाली। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि साइकिल यात्रा से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और काले बिल्ली लगाकर उन्नाव केस में शामिल लोगों को सजा दिलाने की मांग की। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा हरियाणा छात्र यूनियन ने शनिवार को गांव अलीका से रतिया तक साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल रैली कर सभा सदस्यों ने एक ओर जहां नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर नशे की रोकथाम न कर पाने पर पुलिस प्रशासन के प्रति रोष जाहिर किया। सभा सदस्यों का कहना था कि पुलिस अधिकारी एक ओर दावा तो कर रहे कि नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयासरत है, मगर रतिया इलाके में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। शहर से लेकर गाँव तक लोग नशे का शिकार हो रहे हैं, खासकर युवक युवतियाँ इस नशे का शिकार बन रहे हैं, मगर पुलिस के अधिकारी केवल बयानबाजी में लगे हैं। वहीं सभा सदस्यों ने उन्नाव रेप एवं हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त किया। सभा सदस्य गांव अलीका से साइकिल रैली निकालते हुए रतिया के उधम सिंह चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये रैली गांव अलीका से शुरू की गई है। हम हुक्माली होते हुए आज हम केटी कॉलेज के आगे पहुँचे हैं और शहीद भगत सिंह के जो स्टैचू है हम उस पर हार पहनाकर और शहीद उधम सिंह जो शहीदी दिवस निकला उसके समर्पित ही हम आज नशा विरोधी रैली कर रहे हैं। जो उन्नाव में रेप कांड हुआ है और उसके उनके हम हथियारों को जो हथियारों को फांसी की सज़ा दी जावे और जो जिन्होंने रेप किया है उनको भी फांसी की सज़ा दी जाए। हम आज ये मामला ये है कि जो नशे आज रतिया क्षेत्र के अंदर इतना नशा फैल चुका है कि यहाँ पर युवक युवतियाँ नशे की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो रही है। इस सरकार ने जो वादे किए थे हमें भी अनिल विज का बयान था कि हम नशा जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन नशा कम तो नहीं हुआ, नशा और बढ़ गया है। आज युवती युवतियां सब नशे के ओवरडोज से लगातार मौतें हो रही हैं और उसके खिलाफ़ आज लिक्का गांव से लेकर खड़ोली जो भी रतिया रूट पर आने वाले गाँव में उन पर एक मार्च निकाला जा रहा है। उसके विरोध में जो उन्नाव के अंदर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा लड़की के पहले रेप किया जाता है, उसको उसके बाद उसकी ट्रक के द्वारा उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया जाता है, उसके खिलाफ ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है।